मित्रों, मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल एडू क्लासेस में। तो कल मैंने आप सभी को 50 क्वेश्चन जो उपलब्ध कराए थे, आप सभी ने पसंद किए हैं। 12 मिनट में 50 क्वेश्चन का रिवीजन कराया था आने वाली परीक्षा के लिए। तो एक बात और बता दूं मित्रों कि जो मैं यहाँ पे हिंदी के जो क्वेश्चन प्रोवाइड करा रही हूँ वो स्पेशल नेट जीआरएफ के लिए हैं। साथ ही साथ आप किसी भी हिंदी परीक्षा के लिए इस क्लास का रिवीजन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। आज की क्लास में भी 50 क्वेश्चन रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास पसंद आएगी। मैं वादा तो नहीं करती हूँ कि मैं डेली आपको क्लासेस दे पाऊँगी, लेकिन हाँ, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको क्लासेस देती रहूंगी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन, हिंदी में मूलतः शब्द के कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। मैं यहाँ पे आप सभी को सिर्फ रिवीजन के लिए क्लास दे रही हूँ और पढ़ा होगा आपने, उम्मीद करती हूँ। प्रश्न नंबर 2 है, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो ये इकाई 1 के क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा और उसका विकास। तो प्रश्न नंबर 2 का सी हो जाएगा 1955। प्रश्न नंबर 3 है, भूतकाल के कितने भेद हैं? तो अधिकतर लोगों को पता होगा 6। वाग्मय शब्द में संधि है, तो प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा व्यंजन। ये पीजीटी टीजीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 5 है, इनमें से तत्सम शब्द नहीं है, तो प्रश्न नंबर 5 का हो जाएगा अमीय, तत्सम नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से लास्ट में पूछूंगी, तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा, उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है कि हिंदी में अल्पप्राण व्यंजन के साथ कौन सा व्यंजन जोड़ने पर महाप्राण बनता है, जिसे भा जो है वो महाप्राण है? तो जब हम भा बोलेंगे तो हा का उच्चारण निकलता है ना, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, 7वीं शताब्दी से ही हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा के प्रारंभिक रूप में पाते हैं, यह कथन किसका है? प्रश्न नंबर 7 सही जवाब हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 8 है, शिव सिंह सेंगर के हिंदी इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज को वृत्त संग्रह किसने कहा है? तो प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, जयशंकर प्रसाद ने किस पत्रिका का संपादन किया था? प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा इंदु। प्रश्न नंबर 10 है, मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन काल क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे सन 1913। प्रश्न नंबर 11 है, देसिलवैना सब्जन मिठा पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ए ऑप्शन विद्यापति हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, संध्या भाषा का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा कुछ स्पष्ट तथा कुछ अस्पष्ट भाषा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, उचित वक्ता पत्रिका के संपादक कौन है? तो यहाँ सही जवाब आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 में, वी ऑप्शन दुर्गादत्त व्यास। प्रश्न नंबर 14 है, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो 14 का सही जवाब हो जाएगा मेरु तुंग। प्रश्न नंबर 15 है, ढोला मारूरा दोहा कैसी रचना है? तो यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा लौकिक साहित्य। ढोला मारूरा दोहा किसकी रचना है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, ससई की रचना नहीं की है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 में, सूरदास ने। प्रश्न नंबर 17 है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काज पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा अभी मलूकदास। प्रश्न नंबर 18 है, पद्मावत विभाजित है किसमें? तो पद्मावत जो है वह विभाजित है पद्मावत खंडों में। ठीक है, खंड है इसमें। प्रश्न नंबर 19 है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? बी ऑप्शन हो जाएगा सन 1565 में। प्रश्न नंबर 20 है, रामानंद का समय है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन 14वीं सदी। प्रश्न नंबर 21 है, संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता है, कथन है डी ऑप्शन रामविलास शर्मा। प्रश्न नंबर 22 है, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण कैसे थे? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा लोक निरपेक्ष। प्रश्न नंबर 23 है, वृत्त कौमदी के रचनाकार कौन है? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा बी मतिराम। प्रश्न नंबर 24 है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बनाता है, यह संवाद किस नाटक से है? तो यह है ए लहरों के राजहंस। प्रश्न नंबर 25 है, रीतकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं, इनमें से कौन नहीं है?
तो सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ 25 का सी ऑप्शन उद्गाताचार्य। तीन श्रेणियां हैं उद्भावक, व्याख्याता, कवि, शिक्षक। प्रश्न नंबर 26 है, जमीन पक रही है कृष्णाकार कौन है, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो वी ऑप्शन केदारनाथ सिंह। और केदारनाथ सिंह जो हैं वो हैं प्रयोगवादी हैं, और केदारनाथ अग्रवाल जो है प्रगतिवादी हैं। प्रश्न नंबर 27 है, अस्तित्ववादी नहीं है, तो 27 का सही जवाब हो जाएगा कामो जो है अस्तित्ववादी नहीं है, बाकी सभी जो है अस्तित्ववादी हैं। 28 नंबर है, झूठो है झूठो है झूठो है सदा जगु, संत कहत जे अंत लहा है पंक्ति के कृष्णाकार हैं, तो ए ऑप्शन सूरदास है। 29 नंबर क्वेश्चन है, बगियान वसंत वसीरो की ओ भसिए ते त्यागी तपाइए ना, पंक्ति के कृष्णाकार कौन है, तो ये है वी ऑप्शन प्रेमघन। प्रश्न नंबर 30 है आपका, रईस साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपयर की कथा है, तो 30 का सही जवाब जो है वो हो जाएगा परीक्षा गुरु। प्रश्न नंबर 31 है, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 31 का सही जवाब हो जाएगा सन 1883 बी ऑप्शन। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, जैसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक कौन है, यह कथन किसका है, तो 32 का सी ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल सही जवाब हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भक्ति काल का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता कबीर है, यह कथन किसका है, तो वी ऑप्शन बच्चन सिंह सही जवाब हो जाएगा। 34 नंबर है, खड़ी बोली का प्रथम काव्य है, तो महाकाव्य है प्रिय प्रवास, 1914 में ये प्रकाशित हुआ था 17 सर्गों में। चलिए प्रश्न नंबर 35 है, रामचरितमानस के किस कांड में कलियुग का वर्णन किया गया है, तो वो है आपका वी ऑप्शन उत्तरकांड। प्रश्न नंबर 36 है आपका, पैसे के समक्ष कला की महत्वहीनता व्यक्त की गई है किस रचना में, तो वो है आपका 36 का सही जवाब शकुंतला की अंगूठी। 37 अर्थ की रचना पोएटिक्स में कितने अध्याय हैं, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 26 अध्याय, 26 अध्याय। 38 नंबर है, वक्रोक्ति जीवितम की रचनाकार कौन है, तो वक्रोक्ति जीवितम 38 सही जवाब आपका हो जाएगा एक कुंतक। 39 नंबर क्वेश्चन है, कामायनी एक पुनर्विचार आलोचना के रचनाकार कौन है, तो सही जवाब आपका हो जाएगा मुक्ति बोध, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, यह कथन किस नाटक से है, तो यह चंद्रगुप्त नाटक से है और चाणक्य का है, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, कवि ने अपनी साखियों में सदोक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है, यह कथन किसका है, 41 का सही जवाब जो है ए ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल। 42 नंबर क्वेश्चन है, नई कविता का श्लाघा पुरुष कहा जाता है किसे, तो 42 का सही जवाब हो जाएगा बी अज्ञेय को। 43 नंबर क्वेश्चन है, समस्या प्रधान सामाजिक नाटक जिसमें व्यक्ति और समाज के उत्तरोत्तर संघर्ष दर्शाया गया है, 43 का सही जवाब जो है वो हो जाएगा सिंदूर की होली, 1934 में प्रकाशित हुआ था। 44 क्वेश्चन है, अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये हैं 5, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, श्रीधर पाठक की जो रचना है एकांतवासी योगी, इसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सन 1886। 46 नंबर क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना है, तो बी ऑप्शन परीक्षा गुरु को माना है। 47 क्वेश्चन है, शब्दार्थ हो सही तो काव्यम उक्ति किसने दी है, तो 47 का सही जवाब हो जाएगा भामा। 48 नंबर क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो वो होगा 1958, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, राजपंचाध्याय किस छंद में लिखा गया है, राजपंचाध्याय नंददास की रचना है और ये जो है रोला छंद में लिखी गई है। आज का अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर, ये क्वेश्चन जो है मयंक मंजरी के रचनाकार कौन है, तो 50 का सही जवाब हो जाएगा मयंक मंजरी, किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखी है, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो 9 मिनट में ये 50 क्वेश्चन मैंने आप सभी को रिवीजन कराए हैं, उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आएगी। यदि आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और हाँ
कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइएगा कितने लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं जो हमारी क्लास देखते हैं, ठीक है। और आप लोग जो है क्लास देखते हैं तो बीए और एमए के जो स्टूडेंट उनको भी हमारी जो भी क्लासेस हैं उनको ज़रूर शेयर करें। यहाँ जो चैनल है इस पर लगभग 800 प्लस क्लासेस पड़ी हैं, आप लोग देख सकते हो और लाभ ले सकते हो अपनी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।